वेलकम बैक दोस्तों मेरे चैनल पे एजेस ट्यूटोरियल पे। तो आज हम लोग इस तरीके का टॉपिक देखेंगे कि जो डेटा वेयर हाउस माइनिंग में अगर आपको कुछ स्टार्ट करना, अगर समझो आज आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप यही क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्योंकि क्या है क्वेश्चन वन में ही आ जाता है ये, जिधर आपके पास न चाहते हुए भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अटेम्प्ट ही करना है। ठीक है, तो जरूर से जरूर ये क्वेश्चन करके जाओ और छोड़ना नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि आप इसको लीव कर सकते हो, ये कंपलसरी क्वेश्चन में आता है। तो अगर आप पहला क्वेश्चन यही करो, मेरा रिकमेंडेशन है, सिर्फ दिखने में कॉम्प्लेक्स है, बाकी बहुत ही चिंदी सा चीज है ये। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही चिंदी है, सिर्फ दिखने में कॉम्प्लेक्स है और कुछ नहीं है। तो ये आप अगर एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो तो गारंटी करता हूं कि 10 मिनट में आप ये क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, 10 मार्क का क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर। तो स्टार्ट करते देखते क्या है, किस तरीके का है और क्या क्या करना है इसमें। तो देखो ये डायमेंशनल मॉडलिंग है, तो कोई ये दो पार्ट में वीडियो आएगा, एक में बेसिक्स और नेक्स्ट पार्ट में रहेगा एक्चुअल मुंबई यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते देखते पहला क्या दिया मैंने, इसके डायमेंशनल मॉडलिंग में तीन टाइप रहता है उसका, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा और फैट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा। तो मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन आएगा और आपको बोलेंगे कि स्टार स्कीमा बनाने को, मैक्सिमम टाइम यही बोलते हैं, कभी कभार ये भी बोलेंगे तो दोनों मिक्स बोलेंगे, और बहुत ही कम टाइम ये बोलेंगे, या तो इसका बोल सकते हैं हम लोग थियरी आता है 5 मार्क का। तो देखते हैं किस तरह से ये बनेगा। तो जैसे हम लोग डेटा बेस के लिए हम लोग ईआर डायग्राम बनाते थे, उसी तरह से डेटा वेयर हाउस के लिए हम लोग को ये स्कीमा बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर किसी भी डेटा वेयर हाउस डिजाइन होना है तो हम लोग को ये स्कीमा बनाना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते किस तरह से ये बनेगा। तो पहला देख लो क्या है, स्टार स्कीमा। तो स्टार स्कीमा से नाम से समझ रहा है कुछ स्टार जैसा रहेगा उसका स्ट्रक्चर, यस। तो देख सकते हो आप लोग स्ट्रक्चर स्टार जैसा ही है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी स्कीमा बनाने के लिए, क्या है वो, पहला है फैक्ट। तो फैक्ट मतलब क्या, द टेबल विच विल कम इन द मिडल, यस, वो फैक्ट रहेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फैक्ट क्या है। ठीक है, फिर देखो सेकंड क्या है, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस हम लोग किसको बोलेंगे, डायमेंशंस हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये डायमेंशंस हो गए, तो समझो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये दिस इज 4। ठीक है, तो ये हो गया फैक्ट, ये हो गया फैक्ट और ये हो गए डायमेंशंस इसके। तो वो क्वेश्चन में आपको समझेगा क्या रहेगा इसका फैक्ट्स और क्या रहेंगे डायमेंशंस, जो कि प्री डिफाइंड रहेंगे कुछ कुछ डायमेंशन और कुछ आपको खुद से अज्यूम करने पड़ेंगे डायमेंशन। थर्ड क्या है, मेजर्स, क्योंकि ये फैक्ट टेबल है तो इसके लिए मेजर्स रहेंगे। तो मेजर्स मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि इसी टेबल के अंदर आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इनसाइड द फैक्ट टेबल। ठीक है, तो इसका दो डिवीजन रहेगा जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेंगे जो कि फैक्ट टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये स्टार स्कीमा हुआ, जरूरी नहीं है ये 4 दिख रहा है तो 4 ही हो, 3 भी हो सकता है। ठीक है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो क्योंकि ये स्टार स्कीमा है तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, जो फैक्ट टेबल रहेगा उसके पास फॉरेन की रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, फॉरेन की रहेगा, हर एक जो भी डायमेंशन है हर एक डायमेंशन का फॉरेन की रहेगा। मतलब अगर इधर 4 डायमेंशन है तो 4 फॉरेन की, अगर 3 रहते तो 3 फॉरेन की, और इन सब डायमेंशन के बाद अपना खुद का एक क्या रहेगा मालूम है, अपना खुद का एक प्राइमरी की रहेगा। ठीक है, तो हर एक के पास प्राइमरी की रहेगा अपना अपना, हर एक डायमेंशन के पास क्या रहेंगे, अपने अपने प्राइमरी की रहेंगे। तो अपने को बोलेंगे कि कुछ दिए रहेंगे डायमेंशन, एक फैक्ट दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इधर एट्रीब्यूट्स फिल करना पड़ेगा अज्यूम करके। ठीक है, पूरा खेल अजम्पशन पे चलेगा, आप कितना अच्छा अज्यूम करके लिख सकते हो फैक्ट्स वो लिखना है आपको। फिर डायमेंशंस दिए रहेंगे कुछ, और कुछ आपको खुद से कंसिडर करना रहेगा, अगर 2 दिया रहेगा तो 2 और कंसिडर करो और फिर उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स आएंगे। तो ये हो गया, क्या हो गया, स्टार स्कीमा किस तरीके से बनेगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड स्कीमा, जो क्या बोलते हैं, स्नोफ्लेक स्कीमा। तो स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है, वो एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्टार स्कीमा। तो अपन बोल सकते हैं कि डिटेल लेवल ऑफ नॉलेज जो है स्टार स्कीमा का, जो एक्स्ट्रा नॉलेज देगा वो कौन देगा, स्नोफ्लेक स्कीमा देगा। तो इसमें भी सेम रहेगा, इधर क्या आने वाला है, ऑब्वियसली फैक्ट ही रहने वाला है, जो फैक्ट रहेगा हमारा। ठीक है, उसके मेजर्स रहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, ये मेजर्स हो गए, अब इधर क्या आएंगे, तो समझो ये
जैसे मैंने बोला D1, D2, दिस इज D3 एंड दिस इज D4, तो स्नोफ्लेक और इसमें फर्क बस इतना ही रहेगा कि क्या करेगा ये जो स्नोफ्लेक है ना, वो क्या करेगा, एक और डायमेंशन डिराइव करेगा इस डायमेंशन में से, उसके प्रीवियस, उसके पुराने डायमेंशन में से एक नया डायमेंशन क्रिएट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्नोफ्लेक स्कीमा, कि उसमें क्या होएगा, डायमेंशंस थोड़े बढ़ जाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो समझो इसमें डायमेंशंस में एक एट्रीब्यूट रहेगा आपका लोकेशन, तो लोकेशन के अंदर ये डायमेंशन बढ़ जाएगा, तो लोकेशन उसका प्राइमरी की बन जाएगा, और फिर उसके नीचे उसके एट्रीब्यूट कि कौन से सिटी, फिर कौन से स्ट्रीट, कौन से स्टेट, सब वगैरह वगैरह जो भी उसके एट्रीब्यूट है वो हम लोग भर देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि मतलब किस तरह से उसका इस डायमेंशन में से एक नया डायमेंशन डिराइव होगा, तो इसको ही बोलते हैं क्या, स्नोफ्लेक स्कीमा, कि क्या स्टार स्कीमा का डिटेल्ड वर्जन जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्नोफ्लेक स्कीमा। अब आ जाते हैं थर्ड और लास्ट स्कीमा पे, जो क्या है, फैक्ट कंस्टेलेशन स्कीमा। तो इसका सेकेंड नेम भी है, क्या है, फैमिली ऑफ स्टार्स। मतलब क्या, फैमिली ऑफ स्टार्स मतलब दो स्टार स्कीमा को जब कनेक्ट करेंगे तो क्या हमारा बनेगा, फैक्ट कॉन्स्टेलेशन। तो दो ही नहीं रहेंगे, हो सकता है तीन हो सकता है चार हो, लेकिन क्या होगा, दो स्टार स्कीमा कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्ट्स रहेंगे एन नंबर ऑफ फैक्ट्स और एन नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये रहेगा। तो देखो दो दो स्टार स्कीमा जब ज्वाइन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्ट कंस्टेलेशन। तो यस, दो भी हो सकते हैं, तीन फैक्ट भी कंबाइन हो सकते हैं, उनके डायमेंशंस भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये जैसे अगर D4 का डायमेंशन जो फैक्ट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम डी फैक्ट 2 को भी D4 रिप्रेजेंट करता रहेगा किसी ना किसी डायमेंशन को लेके, जो दोनों का सेम रहेगा। तो कनेक्शन ऑफ मल्टीपल स्टार स्कीमा इज नोन एज फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा। तो बस ये तीन टाइप के स्कीमा होते हैं। तो ये बेसिक मैंने बता दिया कि किस तरह से फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग जब सम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो एक्चुअली सॉल्व करेंगे एट्रीब्यूट, डायमेंशन, फैक्ट्स कैसे बनेंगे, सब कुछ देखने वाले। तो ये वीडियो देख लो और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज तीन अच्छे काम करो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और अगर कोई सजेशन देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल फॉर्म का, वो देख लो। और मेरे जो प्लेलिस्ट है डेटा वेरन माइनिंग के, मैक्सिमम सम ले लिए मैंने, जो भी रह गया रहेगा उसका वीडियो आ जाएगा एक दिन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके टॉपिक के साथ।